नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज हम उस मॉडल के इविल वर्जन देखेंगे जिसने न जाने धरती को कितने खतरों से बचाया है। उस इंसान ने जिसने थैनोस तक को रिस्पेक्ट करने पे मजबूर किया है, वो इंसान जिसके मरने पे भगवान तक रो पड़ा है। तो चलिए बात करते हैं आयरन मैन के टॉप 5 इविल वर्जन की। आयरन मैन ने एंड गेम के बाद जो अपनी छाप छोड़ी है उसे भुलाना हम फैंस के बस की बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से, आयरन मैन स्टील कॉर्प्स। एज ऑफ एक्स के स्टोरीलाइन में टोनी स्टार्क एक म्यूटेंट वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, जिसके बाद उसका हाथ मर उससे ऐसे चिपक जाता है जैसे मेरी बुरी किस्मत मुझसे। अब ये हाथ मर इतना डेंजरसली चिपक जाता है कि वो एक पॉइंट पे टोनी की बॉडी को भी खाने लगता है। अब ये वायरस टोनी के पूरे आर्मर को टेक ओवर करता है, जिसकी वजह से टोनी का उस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। अब एक समय पे जब टोनी स्टार्क एवेंजर्स के साथ एक मिशन पे होता है, तब उसका आर्मर सिस्टम ओवरराइड करके वहाँ के सारे म्यूटेंट बच्चों को मार देता है, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली टोनी कैप्टन अमेरिका को खुद को मारने के लिए कहता है, जिसपे कैप्टन अमेरिका उसे पीछे से मार देता है। नंबर 4, विक्टर वॉन डूम। अब ये जानने के बाद बहुत से आयरन मैन फैंस को झटका लग सकता है, तो यार अपने आप को संभाल लो। अब होता क्या है कि सिविल वॉर 2 के वक्त जब कैप्टन मार्वल की वजह से आयरन मैन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, तब विक्टर वॉन डूम जो कि इस दुनिया का मोस्ट पावरफुल और डेंजरस विलन में से एक है, वो आयरन मैन बन जाता है। What the fuck? अब डॉक्टर डूम मिस्टर फैंटास्टिक की मदद से अच्छा बन जाता है और टोनी के इंजर्ड होने के बाद उसे खुद को प्रूव करने और अपनी गलतियों को सुधारने का एक चांस मिलता है, जिसको वो बहुत ही अच्छी तरह से यूज करता है। लेकिन अब ये डार्क वर्जन के लिस्ट में इसलिए है क्योंकि यार हम सभी जानते हैं डॉक्टर डूम किसी गिरगिट से कम नहीं है। नंबर 3, आयरन गॉब्लिन। अब बहुत से फैन को आयरन गॉब्लिन के बारे में याद भी नहीं होगा। स्पाइडर आइलैंड के स्टोरी लाइन में जब स्पाइडर क्वीन सबको अपने वायरस से इन्फेक्ट कर रही होती है, तब उसी वायरस का शिकार हमारा आयरन मैन भी होता है। लेकिन आयरन मैन को म्यूटेट होने से बचाने के लिए वेनम उस पे गॉब्लिन फॉर्मूला छिड़क देता है, जो नॉर्मन ऑसबॉर्न यूज करता है। लेकिन स्टोरी का ट्विस्ट अभी बाकी है। ये गॉब्लिन फॉर्मूला टोनी को म्यूटेट होने से बचा तो लेता है, लेकिन उसे धीरे धीरे नॉर्मन जैसा पागल भी बनाने लगता है। अब आयरन मैन रहा हमारा हीरो, जो किसी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि वो खुद को सैक्रिफाइस भी कर सकता है। तो जैसे कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए उसने एंड गेम में खुद को सैक्रिफाइस किया, तो वैसे ही यहाँ भी पूरी तरह से पागल होने और दूसरों को मारने से बचाने के लिए वो खुद को इबोनी ब्लेड से मार देता है। नंबर 2, ज़ॉम्बी आयरन मैन। अब देखा जाए तो हमें मार्वल या डीसी के सभी सुपर हीरोज के ज़ॉम्बी वर्जन देखे हैं, तो उन्हीं ज़ॉम्बीज में से आज हम आयरन मैन के ज़ॉम्बी वर्जन को भी देख ही लेते हैं। मार्वल ज़ॉम्बी के स्टोरीलाइन में जब आयरन मैन ज़ॉम्बी बन जाता है, तब वो सिल्वर सर्फर पे अटैक करता है। हालांकि सिल्वर सर्फर अपने एक ब्लास्ट से उसके दो टुकड़े कर देता है, लेकिन आयरन मैन ज़ॉम्बी होने की वजह से उसे भी खा लेता है, जिसके बाद उसमें सिल्वर सर्फर जैसी भी पावर आ जाती है और बाकी के ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर वो उसे खाता है जिसे बाकियों को खाना अच्छा लगता है, नन अदर देन प्लैनेट ईटर गैलेक्टस। अब गैलेक्टस को ग्रुप में खाने की वजह से उन्हें गैलेक्टस की पावर्स भी ग्रुप में मिलती है, जिसके बाद उन्हें दी गैलेक्टा कहा जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 1, सुपीरियर आयरन मैन। ये वर्जन आयरन मैन का मोस्ट पावरफुल और सेल्फ वर्जन है। मार्वल एक्सेस इवेंट में सभी सुपर हीरोज की मोरालिटीज को रिवर्स किया जाता है, जिसमें आयरन मैन भी एक होता है। अब सुपीरियर आयरन मैन टॉप पे इसलिए है क्योंकि ये स्पेल इवेंचुअली सभी हीरोज को विलन बना देता है और विलन्स को हीरो। लेकिन टोनी का इविल वर्जन बहुत ही स्मार्ट होने की वजह से जब उस स्पेल को हटाया गया, तब बाकी के हीरोज तो नॉर्मल हो गए सिवाय टोनी के, जो खुद को शील्ड करके उस स्पेल से बच जाता है। ये टोनी स्टार्क बहुत ही बुरा है और साथ ही साथ परफेक्ट भी, क्योंकि अगर किसी के पास इतना ज्यादा इंटेलेक्ट होता तो शायद वो भी यही करता। अब होता क्या है कि टोनी एक टेक्नो वायरस पूरे शहर में फैला देता है और एक्सट्रीमिस्ट 3.0 नाम का एक ऐप लॉन्च करता है, जिसके बाद उसे यूज करके सभी ब्यूटीफुल और यंग दिखने लगते हैं। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि इस ऐप को डेली $100 से रिन्यू करना पड़ता है, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है, और अगर इसे रिन्यू नहीं किया तो बहुत ही बदसूरत दिखने लगते हैं। अब इसमें आगे भी टोनी बहुत कुछ करता है, और अगर आपको इसके आगे की स्टोरी या फिर इसकी पूरी स्टोरी लाइन देखनी है तो आप कार्टून फिक्स की ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमें फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्दी से कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ऑसम वीडियोस लाता रहूंगा, और तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। लिखा जो भी आया मेरे जी में करे, मैंने ईमेल भेजे, मैंने डेमो सारे बस करने लगे, भेजे में था डाउट साला बस कैसे बने, पूरे थे तबाही मेरे लश्कर गले, रैप नहीं मैंने रैपट दिए, कभी दिए नहीं एफर्ट दिए, सब करा अकेले जहां 10 जाने लगे, आज गाना बजे 10 बार।